हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपू। मैं फिर से आ गया आप लोगों को व्हाट्सएप का सेटिंग के बारे में बताने के लिए, व्हाट्सएप का जो पूरा सेटिंग है वो बताने के लिए। वीडियो बहुत लंबी बन जाता है, इसीलिए पूरा सेटिंग को मैं 3 एपिसोड में डिवाइड किए थे। 2 एपिसोड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आज मैं लास्ट एपिसोड बताऊँगा। आज जो एपिसोड बताऊँगा वो बोलने के बाद व्हाट्सएप का सेटिंग पूरा टोटली कम्प्लीट हो जाएगा। अब जो 3 वीडियो देखेगा तो व्हाट्सएप का टोटल सेटिंग के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, शुरू करते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे। ऐसे व्हाट्सएप में चला जाएंगे। व्हाट्सएप जाने के बाद देखिए, स्क्रीन का राइट साइड में ऊपर में 3 डॉट वाला एक ऑप्शन रहता है, उसमें हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे। उसमें क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन वगैरह आता है, वो ऑप्शन के लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप मिस कर दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकता है। एंड तो हम लोग नीचे वाला जो सेटिंग है इसमें क्लिक करूँगा। एंड उसमें जो अकाउंट एंड चैट है उसका बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर लीजिए। एंड आज मैं बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन, डाटा एंड स्टोरेज यूजेस एंड हेल्प एंड इनवाइट ए फ्रेंड। ये जो 4 ऑप्शन है इसका बारे में हम बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ऐसे ही में हम लोग ऑन कर देंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है कॉन्वर्सेशन टोन्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए हम लोग किसी को मैसेज सेंड करता हूँ और कोई हमको मैसेज सेंड मैसेज भेजता है, तो उसमें एक साउंड आता है। जैसे मैसेज सेंड करने से पट करके एक साउंड होता है, एंड कोई हमको भेजने से जो अलग अलग फ़ोन में अलग अलग साउंड होता है, तो उसको बोलता है कॉन्वर्सेशन टोन। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो वो साउंड आपको मिलेगा नहीं, अगर आपको आप उसको एनेबल करके रखेंगे तो वो साउंड आपको मिल जाएंगे। यह है इसका काम है। सेकेंड जो ऑप्शन है मैसेज में जाएगा नोटिफिकेशन टोन, सेम जो मैं इतना टाइम वही बोला। इसमें क्या है, आपको कोई मैसेज भेजता है, कुछ फ़ोटो भेजता है, कुछ भी मैसेज भेजता है जो आपको साउंड होता है फ़ोन में, तो उसको बोलता है नोटिफिकेशन टोन। जो नोटिफिकेशन आता है, जो साउंड आता है, उसको बोलता है नोटिफिकेशन टोन। तो एवरी मोबाइल पे हर मोबाइल पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टोन ऐड रहता है। अगर आपको वो टोन पसंद नहीं तो आप ऐसे जाके क्लिक करके यहाँ से टोन आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे फोन मोबाइल में रिंग टोन चेंज करता है। सेकेंड जो ऑप्शन है वाइब्रेट, वाइब्रेट मीन्स वाइब्रेशन बोलता है, फ़ोन जैसे वाइब्रेट होता है ना उसको बोलता है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं, ऑफ कर सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए कर सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए कर सकता है। मेरे फ़ोन में तो बाय डिफ़ॉल्ट करके रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स क्या है, जैसे आप लोग का फ़ोन साइलेंट कर देता है ना, उस टाइम ऑटोमेटिक वाइब्रेट होता है। थर्ड जो ऑप्शन है पॉपअप नोटिफिकेशन, ये क्या है, पॉपअप नोटिफिकेशन एक अच्छा एक ऑप्शन है जो आप व्हाट्सएप ओपन नहीं करके व्हाट्सएप में नहीं जाके भी किसी को रिप्लाई दे सकते। जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आता है, मेरे को नो पॉपअप, कुछ पॉपअप नहीं चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आता है, जैसे कि आपका स्क्रीन जब भी ओपन रहेगा वो मैसेज आएगा, और यहाँ पे लिखा आपका जब भी स्क्रीन ऑफ रहेगा वो मैसेज आएगा, एंड लास्ट जो ऑप्शन है ऑलवेज शो पॉपअप, मीन्स आपका एनी टाइम वो आएगा। वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन ओपन है लेकिन मैं व्हाट्सएप में नहीं हूँ, कोई एक मैसेज भेजा है डायरेक्टली मेरा स्क्रीन में आता है, इसको पॉपअप बोलते हैं। तो मैं व्हाट्सएप नहीं ओपन नहीं करूँगा, यहाँ से उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। जैसे हेलो मैं रिप्लाई कर दिया, तो ये उसका फीचर, उसका ही काम रहता है दोस्तों। ऐसे करके इसका मैसेज को हम लोग रिप्लाई दे सकता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन आता है लाइट, तो लाइट तो इसका हम लोग को पता है, हम लोगों को पसंद जो है उसका कलर का हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या काम करता है, देखिए दोस्तों जैसे कि कोई हमको मैसेज भेज दिया तो हम लोग ऐसे ऊपर में यहाँ पे देख सकता हूँ ना जो नोटिफिकेशन आता है, तो ये उसका ही काम है। ये जो ऑप्शन है ये उसका काम है, जैसे यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, इसका वही काम होता है। जैसे हम लोग इसको एनेबल कर देंगे तो कोई भी मैसेज आएगा हम लोग ऐसे स्क्रीन का ऊपर में जाके हम लोग देख पाते हैं, लेकिन इसको डिसेबल कर देंगे तो वो मैसेज हम लोग यहाँ पे नहीं देख पाएगा, उसको देखने के लिए हम लोगों को व्हाट्सएप ओपन करके देखना पड़ेगा, ये इसका ही काम होता है। नेक्स्ट आज जो आ रहा है ग्रुप, ग्रुप के अंदर भी सेम है नोटिफिकेशन टोन, वाइब्रेट, पॉपअप नोटिफिकेशन, लाइट, ये जो है सेम। ऊपर में मैं जो कुछ भी बोला जो जो काम होता है इसका के लिए भी सेम, ये क्या है ओनली ग्रुप थ्रू ये डायरेक्टली आपको मैसेज, तो बाकी काम सेम ही होता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉल्स बोल के लिखा है। कॉल्स क्या है, जब भी हम लोगों के फ़ोन में कोई कॉल आता है बाई व्हाट्सएप, व्हाट्सएप थ्रू वीडियो कॉल हो सकता है और ऑडियो कॉल हो सकता है, जैसे आता है बाई डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ोन में एक रिंगटोन सेव रहता है,
तो वो ऑटोमेटिक हम लोग को सुनाई देता है। तो सेम है, अगर आपको रिंगटोन नहीं चाहिए तो आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं, लाइक मोबाइल का रिंगटोन जैसा। तो बाय डिफॉल्ट एक रिंगटोन रहता है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वाइब्रेट, सेम मैं बता चुका हूँ, वाइब्रेट आप ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। डिफॉल्ट मीन्स क्या है, जब भी आपका फ़ोन साइलेंट रहता है तभी वो वाइब्रेट काम करता है। तो हम लोग बैक करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डाटा एंड स्टोरेज यूजेस, इसमें क्या होता है आपका नेटवर्क यूजेस एंड स्टोरेज जो यूजेस है ना वो आपको पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि हम नेटवर्क यूजेस ओपन करेंगे तो देखिए आपको नेटवर्क में कितना यूज़ किया पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखता है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है रीसेट, इसमें आप रीसेट कर देंगे तो ऐसे क्लिक करेंगे रीसेट कर देंगे तो ये जो पूरा आपको रिकॉर्ड है ये पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, फिर नया से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको रहने ही दीजिए। सेकेंड जो ऑप्शन है स्टोरेज यूजेस, इसमें क्या होता है स्टोरेज यूजेस ऐसे ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा आप कौन सा पर्सन के लिए और कौन सा ग्रुप के लिए आप कितना स्टोरेज यूज़ किया। जैसे कि मेरे को ज़्यादातर 00 दिखा रहा है क्योंकि मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किए थे एंड बैकअप नहीं लिए थे तो इसीलिए पूरा 0 दिखा रहा है। ऊपर में थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा यूज़ किया इसीलिए दिखा रहा है। तो वो आपका फ़ोन में दिखाई देगा आप किसके लिए कितना स्टोरेज यूज़ किया, वो आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड, हाँ दोस्तों ये एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें क्या होता है हम लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे कि देखिए आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप चलता है, कोई बंदा ग्रुप ओपन करके आपको ऐड करके रख दिया तो ग्रुप में आपको ऐड होना नहीं होना उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, विदाउट आपका परमिशन कोई आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको पिछले का वीडियो देखना पड़ेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है सपोज आप 10 ग्रुप में ऐड है तो 10 ग्रुप में दिन में 10 फोटो तो आ जाएगा, 10-12 फोटो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड हो जाता है, जैसे कि मोबाइल डाटा यहाँ पे देखिए व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इसमें क्लिक करेगा तो फोटो ऑडियो वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आता है। तो आप जिसमें क्लिक करके रखेंगे वो टाइप का मैसेज आपको डाउनलोड होगा। जैसे कि आप ओनली फोटो को डाउनलोड क्लिक करके ओके कर देंगे तो जब भी आपका मोबाइल में डाटा ऑन रहेगा तो आप व्हाट्सएप ओपन होने दो या नहीं होने दो जो फ़ोटो आपको बाई व्हाट्सएप आएगा वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपको फ़ोटो ऑडियो वीडियो करके रखेगा तो वो तीनों आइटम डाउनलोड हो जाएगा, आई मीन तीनों जो टाइप का मैसेज डाउनलोड हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी सेम डाउनलोड हो जाएगा अगर आपको सभी ऑल करके रखेंगे तो। तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मैनुअली जाकर डाउनलोड करूँगा। सेकेंड ऑप्शन व्हेन कनेक्ट ऑन वाईफाई, ये भी सेम जब आपका फ़ोन व डिवाइस वाईफाई में कनेक्ट है तभी आप ये सब सिलेक्ट करके रखें तो ये सब ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हमारा जो स्टोरेज है आई मीन जो गैलरी है फुल हो जाता है, तो हमको जो ज़रूरत है हम खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट जो ऑप्शन है व्हेन रोमिंग, रोमिंग भी सेम आप क्लिक करके रखेगा तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, मीन्स आप जिसको सिलेक्ट करके ओके करके रखेगा वही टाइप का मैसेज आपको डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग में क्या है जैसे कि हम लोग किसी को कॉल करता है बाई व्हाट्सएप थ्रू, वो हो सकता है वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल, और कोई हमको कॉल करता है हम लोग कॉल रिसीव करते हैं, उसमें क्या है इसको अगर एनेबल कर देंगे तो आपको डाटा कम यूज़ होगा और इसको डिसेबल कर देंगे तो डाटा नॉर्मली जो जितना डाटा इसको चाहिए वो उतना ही कलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसको आप एनेबल कर देंगे तो आपको डाटा थोड़ा सा सेविंग होगा, बचत होगा, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है अगर कोई वीडियो कॉल करेगा तो उसका पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो यही है दिक्कत। तो इसीलिए डिफॉल्ट करके रखना ही बेस्ट है मेरे ख्याल से, अभी आप लोगों का चॉइस। उसके बाद जो आता है हेल्प, हेल्प क्या होता है ये व्हाट्सएप के थ्रू आप कुछ हेल्प मिल सकता है इसमें क्लिक करने के बाद। एंड लास्ट जो ऑप्शन है इनवाइट ए फ्रेंड, ये तो आप लोगों को पता ही है आज आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए। तो आज का ज़माना में व्हाट्सएप तो मेरे ख्याल से सभी का फ़ोन में रहता है, फिर भी अगर किसी का फ़ोन में नहीं है तो आप यहाँ से जाके इनवाइट करके डायरेक्टली उसको इनवाइट कर सकते हैं बाय SMS, बाय मेल, बाय जीमेल, बाय नोट, और यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर, लाइकी, आप कोई भी दूसरा ऐप के थ्रू उनको जाके इनवाइट कर सकते हैं व्हाट्सएप ओपन करने के लिए।
तो यही है टोटल आपको मैसेज। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आ गया व्हाट्सएप के सेटिंग के बारे में। ए टू जेड मैं सेटिंग बता चुका हूँ 3 वीडियो में, इसका पहले भी 2 वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे देख लीजिए। तो 3 वीडियो आप देखेगा तो व्हाट्सएप का सेटिंग के बारे में ए टू जेड आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ पता नहीं हो रहा है, तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू ऑल।